चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दरअसल पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सपा के चुनाव हानि की वजह चुनाव आयोग को बताया है। ये बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने ईमानदारी नहीं बरती है, भाजपा से खुश नहीं है उसके सहयोगी दल, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाएंगे। ये बयान अखिलेश यादव का सामने आया है, जिन्होंने चुनाव में हार की वजह जो है चुनाव आयोग को बताया है, और ये कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से सपा के साथ बेमानी की गई है, भाजपा से खुश नहीं है उसके सहयोगी दल, और 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाया जाएगा। तो ये बड़ा बयान और बड़ा निशाना अखिलेश यादव की तरफ से साधा गया है चुनाव आयोग पर। सपा के चुनाव हारने की वजह चुनाव आयोग को अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सपा को हार मिली है, उसका सारा जो दोष है वो चुनाव आयोग पर डाला है। भाजपा से उसके सहयोगी दल खुश नहीं है, और इसलिए आने वाले समय में 2024 में एक मजबूत विकल्प के साथ सपा आएगी। और चलिए लगातार अनुभव फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, देखिए कहीं ना कहीं अब बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उसका सारा जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ा गया है। देखिए, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के तमाम नेता हो, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, उनके सहयोगियों ने भी खड़े किए थे। पर आज जिस तरीके से जो न्यूज एजेंसी पीटीआई है, उससे जब बातचीत की अखिलेश यादव ने, तो बड़े आरोप लगा दिए हैं, चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा, और साफ तौर से कहा है कि ना केवल 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, बल्कि अभी हाल ही में देखिए आजमगढ़ और रामपुर में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी हार की वजह अगर कुछ है तो वो चुनाव आयोग की डिसऑनेस्टी है। यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आ गई, यानी समाजवादी पार्टी के साथ बेईमानी की। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पर, और हालांकि बीजेपी तो बार बार यही कहती रही है कि जब भी नतीजे आए थे तब भी बीजेपी ने यही कहा था कि समाजवादी पार्टी तो ईवीएम पर ही सवाल खड़े करती है, और बार बार वो चुनाव आयोग को घेरती है। लेकिन देखिए, हर कोई जानता है जब चुनाव होता है किस तरीके से पूरी चुनाव आयोग हर एक चीज को देखता है, सारी तैयारियों को देखता है, और किस सुरक्षा के पहरे में इलेक्शन होते हैं। तो अखिलेश यादव अब निशाना साध रहे हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर, और ये कह रहे हैं कि उनकी बेईमानी के चलते समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव हार गई। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में होती, उनकी सरकार बन गई होती। आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलती। बिल्कुल अनुभव, इतने समय बाद अखिलेश यादव का ये रिएक्शन चुनाव में हार के बाद सामने आया। देखने वाली बात है आगे कहां तक ये मामला जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।